हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुड्डू और आप इस वीडियो में जानेंगे अपने फोन से ऑनलाइन LIC प्रीमियम पे करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। अब यहां सर्च इंजन में LIC India.in टाइप करेंगे और यहां से सर्च करेंगे। इसके बाद यहां थ्री डॉट पर क्लिक करके यहां डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे फिफ्थ नंबर पे प्रीमियम ऑनलाइन के ऑप्शन से बिना लॉगिन किए ही अपने LIC का प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से प्रीमियम पे करने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हर बार फुल डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप इस फुल डिटेल्स से एक बार इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करके यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आप हर बार आसानी से अपना LIC प्रीमियम पे कर पाएंगे। और आप जब चाहे अपना LIC प्रीमियम ऑनलाइन पे किया हुआ रसीद भी निकाल सकते हैं और आपको रसीद गुम होने की कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। यह तरीका आसान भी है और फायदेमंद भी। तो चलिए हम इसी तरीके से LIC प्रीमियम पे करेंगे। इसके लिए यहाँ कस्टमर पोर्टल पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है। पहला, न्यू यूजर। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कॉमेंट में न्यू यूजर टाइप कीजिए ताकि मैं इस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। और अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप सेकंड नंबर पे रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उस यूजर नेम को यहाँ और पासवर्ड को यहाँ टाइप कीजिए। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। इसके बाद यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंडिविजुअल पॉलिसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो पॉलिसी है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें यहाँ पॉलिसी धारक नेम तथा इसके नीचे पॉलिसी नंबर और यहाँ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की आपको कितने पैसे पे करने हैं और यहाँ डेट की आपको प्रीमियम कब पे करना है, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। सिंपली आप इस डेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपका सभी डिटेल्स शो हो रहा होगा जिसमें आप यहाँ चेक एंड पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपना प्रीमियम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर LIC प्रीमियम पे करने में आपने लेट कर दिया है तो यहाँ लेट फी शो हो रहा होगा और आपको टोटल कितने रुपए पे करना है ये यहाँ पे शो होगा। ये सभी देखने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए, फिर यहाँ चेक एंड पे पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, UPI पिन, वॉलेट या कैश कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड है तो यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ कार्ड नंबर और इसके नीचे एक्सपायरी डेट और यहाँ CVV नंबर और यहाँ कार्ड होल्डर नेम, ये सभी डिटेल्स आपके ATM कार्ड पे मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ये ATM यानी डेबिट कार्ड नंबर है और ये एक्सपायरी डेट है। और जब आप ATM के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ CVV नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सभी डिटेल्स यहाँ फिलअप करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अपने अकाउंट में जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है उस पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ टाइप करके यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करके अपना रिसीट यानी रसीद डाउनलोड कर लेंगे और इस रिसीट की जरूरत पड़ने पर जीरोक्स वाले दुकान पर जाकर इसे निकलवा लेंगे। LIC प्रीमियम ऑनलाइन पे किया हुआ रिसीट को आप जब चाहे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसीट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप इस पे क्लिक कीजिए। आपने आज तक जितना भी ऑनलाइन प्रीमियम पे किया है वो सभी यहाँ शो होगा। आप जिसे चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ टिक करेंगे जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। सो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन करिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।